नमस्कार साथियों, जैसा कि दोस्तों आपको पता है मैं आपके लिए पूरे इंडिया से घूम घूम कर नए नए बिजनेस आइडिया सर्च करता आप तक पहुंचाते रहती हूँ। तो दोस्तों इसी सीरीज को आगे बढ़ाते आज मैं आ गई बिहार पटना में। आज के वीडियो में अपने किसान भाइयों को एक ऐसी मशीन के बारे में जानकार देने वाली हूँ जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये टेकन लेडी आपके लिए ऐसे नए नए बिजनेस आइडिया सर्च करके आप तक पहुंचाती रहेगी। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। तो सर सबसे पहले आप हमारे दोस्तों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। हमारी दुकान का नाम गुरु नानक इंटरप्राइजेज और पंजाब मशीनरी है। ये दुकान पटना जंक्शन अपोजिट बीना सिनेमा हॉल पिनर नंबर 20 है। पटना जंक्शन से केवल डिस्टेंस 200 मीटर की है। कोई भी अगर इंसान अगर यहाँ विजिट करना चाहता है पटना जंक्शन से केवल 2 मिनट की वॉक पे यहाँ पे विजिट कर सकता है। और अभी हम लोग जहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं ये हमारे गोडाउन पे शूट कर रहे हैं जो कि शीतला माता मंदिर के रोड पे है। अच्छा, तो सर आज के वीडियो में आप हमारे किसान भाइयों को कौन सा नया बिजनेस जानकारी देने वाले हैं? आज हम ये जो मशीनें आप पीछे देख सकते हैं इनको हम लोग छोटा हाथी या छोटा ट्रैक्टर या जो भी मान लीजिए कह सकते हैं। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे इक्विपमेंट है जो कि पेट्रोल और डीजल मॉडल में आते हैं। सबकी क्षमता अलग अलग है, सब में काम अलग अलग कर सकते हैं। जो इंसान जैसे किसान हमारा क्या है, जो हमारा इंडिया जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। जी सर। यहाँ पे सभी किसान एक बराबर समान, उनके पास जमीन नहीं है, एक समान उनके पास पैसे नहीं है, ना एक समान उनके पास जगह है, या फिर एक समान तरह की खेती नहीं होती हर जगह की। तो हर जगह के रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग तरह की मशीनें लगती है। पहले क्या होता था ना कि अगर किसी किसान को खेताई में खेत में जुताई करनी है, कोराई करनी है, डीचिंग करनी है, या वेजिटेबल की खेती के लिए मेड़ बनानी है, जी तो उसके लिए क्या होता था, उनको ट्रैक्टर लेना पड़ता था। जी जी। ट्रैक्टर आपको पता है कि ट्रैक्टर कोई भी ट्रैक्टर आज के समय में 4-5 लाख से कम नहीं आता है। और 4-5 लाख का आपने ट्रैक्टर ले लिया, उसके बाद आपको उसके इक्विपमेंट लेने पड़ते हैं जो कि खोड़ाई में अलग लगेगा। अगर मान लीजिए आपको धान की रोपाई करनी है उसके लिए कीचड़ करना पड़ता है, उसके लिए अलग इक्विपमेंट लगेंगे। और मान लीजिए रिपर करना है, धान काटनी है, सबके लिए अलग अलग इक्विपमेंट लगता है जो कि काफी ज्यादा महंगा पड़ता था। ये जो आप सारी मशीनें देख रहे हैं जो कि एक बड़ा ट्रैक्टर काम कर सकता है, वो ये सारी मशीनें वही काम कर सकती हैं। क्या सर ये? जी सारी छोटी मशीनें, ये छोटी मशीनें आपको देखने में मतलब ट्रैक्टर का सामना कर सकती है? एकदम कर सकती है मैडम। जो भी आपके बड़े ट्रैक्टर काम कर सकते हैं वो छोटे ट्रैक्टर का ये काम कर सकती है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास कई प्रकार के मॉडल है। हमारे पास पेट्रोल में मॉडल है, डीजल में मॉडल है। हम लोग सबसे स्टार्ट करते हैं कि सबसे प्रीमियम मॉडल से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा सबसे ज्यादा रनिंग और सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 7.5 HP का पेट्रोल मॉडल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.5 HP लिखा हुआ है। आगे की तरफ हमने बम्पर दिया हुआ है ताकि मान लीजिए कभी मशीन आपका छूट जाए। और हमारा ये स्टैंड दिया हुआ है। स्टैंड इसलिए दिया हुआ है कभी किसान मान लीजिए उसको गाड़ी रोकनी है, खड़ी करनी है, तो स्टैंड लगा करके अपना काम रोक सकता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे इस मशीन के अंदर यहाँ पे हमारी पेट्रोल का टैंक दिया हुआ है। हमारे किसान भाइयों का हाथ ना जले तो उसके लिए साइलेंसर के ऊपर कवर इस प्रकार से बना के दिया है ताकि किसान कोई गलती से कभी इस पे हाथ लग दे तो उनका हाथ कभी जले नहीं। तो ये सभी चीज की तरीके की आपको सुविधा दी जाती है जिससे किसानों के लिए ज्यादा आसान हो जाता है मशीन चलाना और काम करना। इसके अलावा हम लोग देखते थे पहले जो भी पावर वीडर आते थे वो क्या होते थे, बेल्ट ड्राइव मॉडल होते थे। बेल्ट ड्राइव मॉडल में क्या होता है कि हमारी जो मशीनें होते हैं, जो इंजन है, जैसे ये हमारा इंजन लगा हुआ है, इंजन के बाद हमारी बेल्ट लगी रहती थी। लेकिन ये जो हमारा मॉडल है ये शाफ्ट ड्राइव मॉडल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की तरफ इंजन लगा हुआ है और इसी में भी हमारा ही गियर बॉक्स जुड़ा हुआ है। गियर बॉक्स जुड़े रहने से ये हो गया कि आपको क्या हुआ, बेल्ट जो टूटने की समस्या होती थी, आपकी बेल्ट घिस जाने की या बेल्ट स्लिप करने की समस्या, ये सब समस्या से आप मुक्त हो गए। और उससे क्या हुआ, सर्विसिंग भी कम हो गई और आपका खर्चा भी कम हो गया। इसके अलावा आपको मशीन के अंदर हम लोग बात करें, मशीन के अंदर हम लोग 7.5 HP पेट्रोल इंजन दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मशीन 3 गियर में आती है, फर्स्ट, रिवर्स और सेकंड गियर। जो भी किसान अपनी क्या बोलते हैं, काम की तेजी के अनुसार इस मशीन को इस्तेमाल कर सकता है जिनसे वो उनका अपना जो काम है वो काम आपका आसानी से हो जाए। मशीन के अंदर हमारी रोटरी ब्लेड आती है। रोटरी ब्लेड आप देख सकते हैं सर यहाँ पे यहाँ दी हुई है। ये आप जो ब्लेड देख रहे हैं ये 16 ब्लेड की पत्ती, मतलब 16×32 है, मतलब एक तरफ 4 4 4 4 16 है। हमारे पेट्रोल वाले मॉडल में 16×32 ब्लेड की आएगी जो कि 3 से 4 फीट का एरिया कवर करेगी। अच्छा। और हमारे डीजल वाले में 20 रोटरी ब्लेड की आएगी जो कि आपका 5-5.5 फीट एरिया कवर करेगी। रोटरी ब्लेड के आगे आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास इस तरह की एक कटिंग ब्लेड लगी हुई है। ये क्या करती है कि आपको एक तरह की लाइन बनाते हुए जाती है।
कि आप जिससे आपको पता चले कि अगर आप मशीन चला रहे हैं तो आपने ये लाइन आपने कंप्लीट कर ली है। अच्छा, अब आपको जो भी चलाना है दूसरे ही लाइन में जाना है, इस लाइन को फिर से कोड़ने की जरूरत नहीं है। इस अगर मान लीजिए कि आपके खेत से सटे हुए किसी दूसरे किसान का खेत है और उसमें अगर फसल रोपी हुई है तो उसके खेत को परेशानी ना हो कि फसल को नुकसान ना हो, तो उसमें ये सब काम देता है, उसका ये फायदा है, उसका ये बेनिफिट है। और इस मशीन के अंदर आप सभी तरह के अटैचमेंट लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी लगी हुई है मेड़ बनाने की, ये हमारी गोल मेड़ बनाती है जो भी हमारे किसान आपका काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं डीचर लगा हुआ है, ये जो नाली बनाने का जो भी हमारे किसान सब्जी की खेती करते हैं, ये आपकी डीटिंग नाली बनाते हुए चलती है जिसमें आप लोग पानी भरते हैं। ये हमारे कीचड़ करने वाली है, ये केज मिल है, केज मिल मतलब जो भी कीचड़ करता है गांव में या खेतों में कीचड़ करने के लिए, ये अलग अलग अटैचमेंट है जो कि अलग अलग मशीनों में चलते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मशीन की बात करें तो मशीन हमारे पास पेट्रोल और डीजल मॉडल में सभी में उपलब्ध है। सबकी तेल की खपत की बात करें तो तेल की खपत 700 से 800 ग्राम है, चाहे वो पेट्रोल मॉडल हो चाहे वो डीजल मॉडल हो, दोनों में वही खपत है। इसके अलावा हम लोग बात करें सभी मशीनों के अंदर आप कई तरह के अटैचमेंट लगा सकते हैं अपने काम के अनुसार, अनेकों अटैचमेंट है। आपको सीट लगानी है, आपको मेड़ लगानी है, डिचिंग करनी है, कोड़ाई करनी है, लुबाई करनी है, जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, केवल आपको अटैचमेंट अलग से लेनी पड़ेगी साथ। अच्छा, अच्छा, जी। और जितने भी मॉडल देख रहे हैं ये मैं रेट कंपेयर करने के लिए आपको मार्केट में नहीं आया हूं, मैं आपको इसलिए आया हूं ताकि आपको प्रीमियम प्रोडक्ट बढ़िया रेट में आपको मार्केट में दे सकूं। मैं ये नहीं बोलिएगा कि मेरे को इस रेट में ये मिल रहा है। सर देखिए, सामान हर तरह का आता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप बढ़िया लगाना चाहते हैं कि सस्ता लगाना चाहते हैं। अच्छा। सस्ता लगाइएगा, परेशान रहिएगा, बढ़िया लगाइएगा तो निश्चित रहिएगा उससे आपको परेशानी नहीं आएगी और आपकी मशीन भी बढ़िया काम करेगी। सर मशीन गारंटी क्या रहेगी? देखिए, मशीनों के अंदर इंजन ही रहता है और गियर बॉक्स रहते हैं। अगर इंजन की आप गियर ऑयल टाइम से चेंज कीजिएगा और गियर बॉक्स में गियर ऑयल डालिएगा तो लोग क्या होता है कहने को तो गारंटी वारंटी दे देते हैं, लेकिन जब मशीनें खराब होती हैं तो नहीं देते हैं। तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, इन मशीनों में गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती है। रही बात सर्विस की, तो सर्विस आपको जरूर मिलेगी, जो कि जो बात साफ रहेगी उससे क्या है कि आपको अभी चाहे बुरा लगेगा कि आपने गारंटी वारंटी नहीं दी या फिर कुछ नहीं, लेकिन ये बाद में परेशानी नहीं आनी चाहिए कि ताकि आपने बोल दिया था फिर बाद में आपको गारंटी नहीं, पहले क्लियर हो जाना चाहिए। इसलिए साफ साफ बातें करें ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि आजकल देखिए लोग लुभाने के लिए कुछ भी बोल करके बेचते हैं मार्केट में आज के समय में, तो वो काम हमारे यहाँ नहीं होता। हमारी कंपनी काम नहीं करती, ये हमारी कंपनी कोई काम नहीं करती है। हाँ बोलिए, इन मशीन प्राइस क्या रहेंगे सर? मशीनों का प्राइस हम लोग बात करें, हमारा प्रीमियम मॉडल 7.5 HP का पेट्रोल में 32,000 से स्टार्टिंग होता है, जिसमें आप अगर कोई भी किसान हमसे लेना चाहता है तो 20% की एडवांस पेमेंट कर करके हमारे से मशीन बुकिंग करा ले। अच्छा, अपने नियर बाय ट्रांसपोर्ट में जब मटेरियल आ जाए तो वहां से उठा सकता है देख कर। अच्छा सर। और इसमें हमारे बड़े बड़े मॉडल जिनको अगर मान लीजिए मशीन ले करके रेंट में चलाना है और अच्छा खासा मुनाफा भी कमाना है तो ये भी ले सकते हैं। ये 1 घंटे में 5 एकड़ तक की जमीन की कोड़ाई कर सकता है। अच्छा अच्छा। तो ये आप जो भी किसान हमारे या फिर ले करके आगे किसी किसानों के यहाँ रेंट पे चलाना चाहते हैं वो सब ये काम कर सकते हैं। तो आज के समय में ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक चीज है और हर जगह हर किसान को ये चीज की जरूरत है और काफी चल भी रही है सर, ऐसे वो काफी ट्रेंडिंग में भी है, ये अभी ट्रेंडिंग में भी है और इन्हीं का भी फ्यूचर है। सीधी सीधी बात है, अब मशीनों के साथ आप चेंज नहीं कीजिएगा तो आप पीछे रह जाइएगा। वही बात है, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे मशीनें बदलती हैं, मशीन में अलग अलग मॉडल आते हैं, वो आपको चेंज करते रहना है। और जैसे कोई किसान अगर सोचता है कि इस मशीन को चलाना काफी मुश्किल है तो वैसा कुछ नहीं है, वो आपको मैं कहते हैं तो मैं चालू करके भी दिखा देता हूँ, काफी आसान है। देखिए मशीन चलाना काफी आसान होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑन बटन दिया हुआ है, न्यूट्रल पे हमने अपना गियर रखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारा यहाँ पे चोक दिया हुआ है। मशीन चालू करने से पहले हम लोग चोक को ऑन करते हैं, जैसे देखिए मशीन चालू होगी, हमने चोक बंद कर दिया जिससे आपको कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो भी किसान सोचते हैं कि इसको चलाना काफी मुश्किल है या ऑन करने में दिक्कत आता है तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए मशीन को कैसे ऑन करना है, आप आराम से ऑन कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास अगर पीछे देखेंगे ये हमारा बड़ा वाला मॉडल है जो कि 10 HP डीजल इंजन में आता है, इसमें आप हमारा सेल्फ स्टार्ट सिस्टम भी होता है, यहाँ पे देख रहे बैटरी की जगह दी हुई है, जो भी किसान हमारे सेल्फ स्टार्ट करना चाहते हैं उसको सेल्फ स्टार्ट भी कर सकते हैं और आराम से काम भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा लगा छोटा ट्रैक्टर जो है उसका पूरा काम करेगा, पूरा ट्रैक्टर का सारे काम करेगा, केवल आपको अटैचमेंट अलग अलग लगानी है और अलग अलग काम करना है। तो सर जैसे हमारे किसान भाई ये मशीन खरीदना चाहता है, अपन डिलीवरी इंडिया में बाहर भी है, पूरे इंडिया में डिलीवरी उपलब्ध है, उसके बाद अगर मान लीजिए बाहर इम्पोर्ट करते हैं तो क्वांटिटी पे अलग है चीज। अच्छा। वो क्वांटिटी पे ही वो एक दो पीस बाहर एक्सपोर्ट करना मुश्किल है हमारे लिए। सर आपने इस मशीन के बारे में जानकर बहुत अच्छी दी, आपके लैपटॉप में मशीन कैसे वर्क करती है जो हमारे किसान? मैं आपको चलती हुई बहुत सारी वीडियो, खेतों में चलती हुई मशीनें, अच्छा, उसके काम में आपको वीडियो दे सकता हूँ, आप चलती हुई मशीनें देख सकते हैं जिससे आपको जानकारी मिल जाएगी कैसे काम करती है। सर हमारे किसान में किस पर संपर्क कर सकता है खरीदना चाहते हैं मशीनों के लिए? वो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, संपर्क कर करके अपने मॉडल पसंद कर सकते हैं, मॉडल और काम के अनुसार मशीन पसंद करके हमारे से परचेज कर सकते हैं। अगर आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो 20% की एडवांस पेमेंट कर करके आप मशीन अपने यहाँ नियर बाय ट्रांसपोर्ट में मंगा सकते हैं।
मटेरियल पहुंचने के बाद बची हुई पेमेंट करके मटेरियल यूज कर सकते। थैंक यू सर, आपने हमारे किसान भाइयों के स्वयं बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आप इस बिजनेस में को भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आप मनो को भी सवाल है तो नीचे दिए नंबर संपर्क कर सकते हैं और हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इस बिजनेस लाभ उठा सके और हमारे चैनल सब्सक्राइब हो लीजिए। तो चलिए दोस्तों बहुत ही जल्द मिलेंगे हम आपसे नए बिजनेस वीडियो साथ। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।